अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलकिन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा पेटिस। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने सूखे मटर लिए हैं, इसको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। इसको 4 घंटे के लिए हम पानी में भिगो देंगे। ये हमने भिगो दिए, आप देख सकते हो पानी में ये हमारे भीग गए बटाने। अब तैयार हो चुके हैं हमारे बटाने। अब इसको हम एक कुकर में डालेंगे। ओके, उसके पास 10 हरी मिर्ची डालेंगे, तीखी वाली। पानी डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा ऊपर तक आ जाए उतना डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो बाहर निकल जाएगा। आधी चम्मच हल्दी डालेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसके 4 सीटी लगने देंगे तेज आंच पे। ओके, ये हमारे आलू है 2 किलो, हमने बटाने के हिसाब से लिए 1.5 किलो, सॉरी। और ये हमारे बटाने भी तैयार हो चुके हैं। इसके आप देख सकते हो छिलके फूल के बाहर आ गए। अब इसको हम साइड में निकाल लेंगे। आलू एक साइड मैस कर रहे हैं हम। इसमें पानी डालेंगे क्योंकि जब छिलके वो आसानी से निकाल सके इसलिए। ओके, ये आप देख सकते हो बटाने एकदम अच्छे से तैयार हुए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे और मिला लेंगे इसको। फिर इसको 1 सीटी होना है। ये हमारा इमली का पेस्ट है। इसको हमने इमली को 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रखा था और इसके बीच निकाल के इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये जो मिक्स, इसके अंदर आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 4 काली मिर्ची डालेंगे, मिर्ची 1/4 चम्मच डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें, 2 हरी मिर्ची डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम पेस्ट बना लेंगे इसका। ये हमारा पेस्ट तैयार है। अब इसको हम छान लेंगे एक छन्नी में, नीचे एक बर्तन रख लेंगे। अब इसको हम छान लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसको हम छान लें। अब हम एक साइड में थोड़ा तपेली गरम करके 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, सूप डालेंगे 1 चम्मच, आंच कम ही रखेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच और जो हमारा पेस्ट था वो डाल देंगे। अब इसको एक उबाल आने देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम एक उबाल आने के बाद उसके अंदर हम शक्कर डालेंगे अब, और गुड़ डालेंगे। ये हमारे आलू मैश कर रहे थे आप देखा। अब इसके अंदर हम चाट मसाला डालेंगे 2 चम्मच। ओके, छोटी चम्मच काली मिर्ची डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। अब नमक डालने के बाद इसमें हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हे गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बेल को दबाना ना भूले, और घर पे ट्राई करो। ये हम कॉर्नफ्लावर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बड़े बर्तन में तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, आंच मीडियम में रखेंगे, और प्याज डालेंगे हमारी 1। इसको अच्छे से थोड़ी ब्राउन होने देंगे। हमारे प्याज तैयार है। अब इसके आधी चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे और जो हमारा रगड़ा है वो रगड़ा डाल देंगे। ये जो हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने जो हमारे बटाने हैं उनको मैश किया था, वो हम बताना भूल गए, सॉरी। बट हमने आधे बटाने को मैश किया था। ये हमारा रगड़ा तैयार है। अब हम पेटिस बनाने लगते हैं। ये हमारे पेटिस आलू भी तैयार है।
हमारी पेटीज बना रहे हैं हम, एकदम राउंड है। थोड़ा सा हमने तेल, आप बटर कुछ भी ले सकते हो, हमने थोड़ा सा तेल डाला है और पेटीज को मीडियम आंच पे ही बनाएंगे क्योंकि तेज आंच पे ये जल जाती है, इसलिए आप देख सकते हो ब्राउन होने लगी है। एक साइड हमारी मिर्ची बन, सॉरी ला चटनी बन रही है इमली की। हमारी पेटीज तैयार हो रही है, होने वाली है। ये हमने लाल मिर्ची, नमक, चाट मसाला का मिक्स करके मसाला बनाया है, या आप रगड़े के ऊपर गार्निश करके डाल सकते हो। ये हमारी पेटीज तैयार है, तैयार है, और इसके ऊपर हम रगड़ा डालेंगे। गाइस आप ट्राई करो और हमें बताओ कि कैसा बना। और ये जो हमारी चटनी है ये तैयार हो चुकी है, और इसका इस पर जो हमने मसाला बनाया था वो डालेंगे। थोड़ा सा ग्रीन चटनी बनाई थी हमने, पहले भी आपको एक वीडियो में बताई थी ग्रीन चटनी बनाते हुए, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उसकी। और हमारी इमली की चटनी है वो डाल उसमें डालेंगे। आप चटनी स्वाद अनुसार आपको टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, हम कम ज़्यादा इस पर थोड़ी सी प्याज डालेंगे, अनार भी डाल सकते हो, और अब इसके ऊपर हम जेनी सेव डालेंगे। ओके, हमारा रगड़ा तैयार है, रगड़ा पेटीज तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे एक दो, और मैं इसको ट्राई करती हूँ कैसा बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी बना है, आपको क्या बताऊँ। बाय गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।